तो आइए हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझते हैं, ये क्यों लाया गया और क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक आर्क लिया है और यहाँ पे ये जो थीटा होगा इसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। और इस आर्क लेंथ का हमने लेंथ लिया 4 मीटर, रेडियस 2 मीटर लिया। यहाँ पे प्लेन एंगल के फॉर्मूला से थीटा इक्वल टू एल बाई आर करके हमने थीटा निकाला तो थीटा आया 2। यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अगर आप पूछते मेरे से कि सर व्हाट इज थीटा, तो मैं बोलूँगा थीटा 2 है। सिर्फ 2 से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, अधूरा अधूरा सा लग रहा है। यहाँ पे कुछ तो यूनिट होना चाहिए था, जो कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स थे मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, वहां से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा यूनिट। सारे यहाँ पे मीटर मीटर आया, कैंसिल हो गया। तो थीटा पे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं आया। तो हमने इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए एक यूनिट अटैच किया और वो यूनिट का नाम है रेडियन। और इस रेडियन को बोलते हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट। दोस्तों हमारे बॉडी में किसी विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हम सप्लीमेंट्स लेके पूरा करते हैं, वैसे ही इस सिस्टम में इस रेडियन की कमी थी। मतलब जो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स थे उनसे हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं हो रहा था, कुछ कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि अधूरा थी। तो हमने एक नया यूनिट लेके आया इसको पूरा करने के लिए, इसीलिए उस यूनिट्स को हमने नाम क्या दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 होते हैं, एक रेडियन होता है जो प्लेन एंगल का यूनिट होता है और एक स्टे रेडियन होता है जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।